हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर थर्ड से पेपर CC6 जिसके टॉपिक है जिसके पेपर का नाम है राइज ऑफ मॉडर्न वेस्ट 1, इससे आज एक टॉपिक आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इस टॉपिक का नाम है अमेरिकन रेवोल्यूशन यानी अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिकी क्रांति को जानने से पहले हम इसे तीन भागों में विभक्त करेंगे। सबसे पहले भाग में हम अमेरिकी क्रांति के महत्व पर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम अमेरिकी क्रांति के कारणों का विश्लेषण करेंगे और उसके पश्चात हम अमेरिकी क्रांति के परिणामों पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस प्रकार हम इसे तीन भागों में बांटकर इस प्रश्न का, इस टॉपिक का, समस्या का समाधान निकालेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने विषय को स्टार्ट करते हैं। 17वीं सदी में यूरोपीय को अमेरिका आकर बसने के कई कारण थे। यूरोप में निरंतर होने वाले जनसंहारक युद्धों से मुक्ति की आशा से प्रवचन के लिए प्रेरित किया, अर्थात ब्रिटिश जो थे या ब्रिटिश या अन्य यूरोपीय देश, वो अपने अपने देश को छोड़कर अमेरिका आकर बस रहे थे। अमेरिका आकर बसने के लिए अनेक कारक जिम्मेवार थे। निर्धन लोगों को दास बनाकर अमीरों एवं सत्ताधारियों के हाथों बेच दिया जाता था। इससे बचने के लिए उन्होंने अमेरिकन उपनिवेश में बसना अधिक उपयुक्त समझा। अधिकांश यूरोपीय उत्प्रवासियों ने अपना घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उन्हें वहां अधिक आर्थिक लाभ के अवसर मिलते। 16वीं और 17वीं शताब्दी की धार्मिक उथल पुथल ने भी बहुत से लोगों को अपने देश को छोड़ने के लिए विवश किया। उपनिवेश के विभिन्न धर्मावलंबियों में धार्मिक मतभेद होते हुए भी एक मौलिक एकता थी और वह थी मातृभूमि की प्रचलित व्यवस्था के प्रति असंतोष। अमेरिकी उपनिवेश को तीन भागों, उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में बांटा जा सकता है। इन तीनों भागों में संवैधानिक भिन्नता मौजूद थी। कुछ बस्तियों में जनतांत्रिक भावनाएं प्रचलित थी और वे शुरू से ही स्वशासन में विश्वास रखते थे। कुछ चार्टर की प्राप्त उपनीतियां थी, सीधे स्पेन और फ्रांस की सरकारों के अधीन होती थी। इस तरह अमेरिका के उपनिवेशों में एक मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। विभिन्न धार्मिक विश्वासों और भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के कारण करने पर भी यहाँ के लोगों में एक जैसी समस्या थी जिसके लिए उन्हें मिलकर संघर्ष करना था। अर्थात हम देखते हैं कि अमेरिका की जो क्रांति है इसका क्या पृष्ठभूमि थी। इसकी पृष्ठभूमि में हम लोग ने देखा कि अमेरिका में बहुत सारे यूरोपीय देश अपनी रुचि दिखा रहे थे क्योंकि वह जो दौर था वह आर्थिक विषमताओं का दौर था, वह जो दौर था वह धार्मिक उथल पुथल का दौर था और ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों का दास बना करके या फिर उनका खरीद फरोख्त हो रहा था और साथ ही साथ इस लोगों पर बहुत तरह के अत्याचार बढ़ रहे थे। तो लोग चाहते थे कि अमेरिका में जाकर बस जाएं और यहीं से अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने की भावनाएं बलवती हुई। और ब्रिटेन ने, जो कि उस समय काफी शक्तिशाली देश था और उसकी व्यापारिक गतिविधियां काफी तेज थी, इस वजह से उसने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया। अब हमें अमेरिकी क्रांति के कारणों की जानना है कि क्या कारण रहे जिससे अमेरिका में क्रांति घटित हो गई। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि कोई भी क्रांति किसी एक कारण से घटित नहीं होती, उसके लिए अनेक कारक होते हैं। तो हम उनकी चर्चा अब करेंगे विस्तार पूर्वक। अमेरिकी की क्रांति एक साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों का परिणाम मानी जाती है। सप्तवर्षीय युद्धों के पूर्व इंग्लैंड को अपने अमेरिकी उपनिवेशों की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन 1763 ईस्वी के पश्चात इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई कठोर व्यापारवादी व्यवस्था एवं औपनिवेशिक नीति ने
विद्रोह को जन्म दिया। यह संघर्ष न तो गरीबों के कारण उत्पन्न असंतोष का परिणाम था और न यहाँ के लोग सामंती व्यवस्था से पीड़ित थे, वरन अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वच्छंदता, व्यापार में स्वतंत्रता तथा अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए विद्रोह किया। अमेरिका स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख कारण यह था कि इंग्लैंड ने प्रारंभ से ही इन उपनिवेशों के स्वशासन पर अंकुश लगाने का प्रयत्न नहीं किया। अमेरिका के उपनिवेशों की अप्रसन्नता का मुख्य कारण आर्थिक मामलों में ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति थी। इंग्लैंड की नीतियों ने अमेरिकी उपनिवेशों को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया। नौसंचालन कानून 1651 के द्वारा ब्रिटेन की संसद ने इन उपनिवेशों को गैर ब्रिटिश जहाजों में काम में लाने से मनाही कर रखी थी। व्यापारिक अधिनियम इन उपनिवेशों की कुछ वस्तुएं जैसे तंबाकू, कपास, चीनी का निर्यात केवल ब्रिटेन को ही कर सकते थे। औद्योगिक अधिनियम उपनिवेशों को लोहा और सूती वस्त्र जैसे उद्योगों का आरंभ करने की मनाही थी। उन्हें इन वस्तुओं को आयात के लिए रोक दिया गया था। उन्हें इन वस्तुओं का आयात केवल ब्रिटेन से ही करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार उपनिवेशों के उद्योग और व्यापार के विकास में रोड़े अटकाए जा रहे थे। ब्रिटेन अपने उपनिवेश वासियों को काश्तकारों के रूप में बनाए रखना चाहते थे। इस युद्ध के बाद अमेरिकी बस्तियों के रुख में एकदम परिवर्तन आ गया। इसका प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटेन सप्तवर्षीय युद्धों में अपनी क्षमता खोने लगा था। उस समय इंग्लैंड की सरकार को लगातार कई वर्षों तक यूरोप में युद्ध लड़ने पड़े और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध हुए ये लगभग 7 वर्षों तक चले और इस युद्ध में उसके ऊपर ऋणों का भार काफी बढ़ा दिया और उसे धन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान ब्रिटेन के ग्रिनविले ने 4 अधिनियम पारित किए जिसमें शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, करेंसी एक्ट तथा क्वार्टिंग एक्ट प्रमुख थे। 1765 में ब्रिटेन की संसद ने स्टैम्प एक्ट पारित किया जिसके अंतर्गत उपनिवेश वासियों को सभी व्यापारिक सौदे पर कर देना पड़ता था। कानूनी दस्तावेजों पर 20 शिलिंग तक का स्टाम्प कर देना पड़ता था। इस कानून से उपनिवेशों में जबरदस्त विरोध की भावनाएं जाग उठी। उपनिवेश वासियों ने कर के बहिष्कार का निर्णय लिया। अमेरिका के क्रांतिकारियों को 17वीं सदी के इंग्लैंड के दार्शनिक एवं विचारकों से भी प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक, हैरिंगटन, मिल्टन आदि दार्शनिकों का मत था कि मनुष्य के कुछ मौलिक अधिकार हैं, जिनकी अवहेलना करना किसी भी सरकार को नहीं चाहिए। अमेरिकी विचारक थॉमस जेफरसन ने उपनिवेश वासियों को विद्रोह करने के अधिकार का समर्थन किया और उनकी बढ़ती हुई स्वतंत्रता की इच्छा को प्रोत्साहित किया। बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ऑटिस, पैट्रिक हेनरी तथा सैमुअल एडम्स ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रत्येक उपनिवेश में एक विधानसभा थी जिसके सदस्य योग्यता प्राप्त मतदाताओं द्वारा चुने जाते थे। ये सभाएं स्थानीय मामलों पर कानून बनाती थी और कर भी लगाती थी, किंतु ये देश सरकार के अधीन थे जिनके वे उपनिवेश होते थे। 18वीं सदी में उपनिवेश वासियों ने यह अनुभव किया कि ब्रिटेन की सरकार उनके ऊपर आपत्तिजनक कानून लागू किए हैं। उनके मन में स्वतंत्र राष्ट्र की कामना हुई और उसने विकसित होकर एक ऐसे क्रांतिकारी युग का रूप ले लिया जिसके फलस्वरूप उपनिवेश वासियों को स्वतंत्रता मिल गई। बोस्टन की टी पार्टी एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी
जिसने इंग्लैंड और उपनिवेशों को युद्ध के कगार पर ला खड़ा कर दिया था। बॉस्टन में जब वहां के गवर्नर ने चाय की पेटियां उतारने के आदेश दिए तो वहां के कुछ नागरिक अमेरिका के आदिवासी जैसे कपड़े पहनकर उनकी वेशभूषा धारण कर जहाजों पर चढ़ गए और जिनकी चाय उतारनी थी उन चाय की सभी पेटियों को उन्होंने समुद्र में डाल दिया। इतिहासकारों ने इस घटना को बॉस्टन की टी पार्टी के नाम से उसकी नामकरण किया है। ब्रिटेन की सरकार ने तब बॉस्टन के बंदरगाह को सभी तरह के व्यापार के लिए बंद कर दिया। स्थानीय स्वशासन को भंग कर दिया गया। शहर में सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अंग्रेज सैनिकों को सभी जगह फैला दिया गया। आक्रोश और बढ़ गया और उसने विरोध को व्यापक बनाने के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की कांग्रेस सभा बुलाई गई। ब्रिटेन की सेना और अमेरिकी उपनिवेशों के बीच लगातार संघर्ष प्रारंभ हो गया। जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड जो ब्रिटेन की नीतियों के कारण उससे शत्रुता रखते थे, अपने अपने स्तर पर इन्होंने अमेरिकी सेना की मदद की। इसी बीच ब्रिटेन में भी गड़बड़ियां शुरू हो गई। आयरलैंड में विद्रोह का डर फैल गया। संसद के प्रभावशाली नेता उपनिवेशवासियों के विरुद्ध हो रहे युद्ध का विरोध कर रहे थे। इस तरह से हम पाते हैं कि 1776 में शुरू होने वाली अमेरिकी क्रांति किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं थी। इस घटना के अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कारण थे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर करों का बोझ डाल दिया, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया हुई और इस कारण विद्रोह संपन्न हुआ। इस प्रकार से जब हम अमेरिकी क्रांति के कारणों की विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अमेरिका जब ब्रिटेन को अपना उपनिवेश कायम किया था तो बड़ी कुशलता पूर्वक वहां पर अपना उपनिवेश शासन कर रहे थे, लेकिन आगे चलकर उनके उपनिवेशों पर उनका दबाव कमजोर तब पड़ा जब ब्रिटेन को सप्तवर्षीय युद्धों में काफी सारा धन व्यय करना पड़ा। इन युद्धों के कारण ब्रिटेन की क्षमता का ह्रास हुआ और उसे धन की कमी हुई। इस कमी को उसने पूरा करने के लिए जनता पर औपनिवेशिक जनता पर करों का बोझ डालना प्रारंभ किया। इसी कड़ी में वहां के जो प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले, उन्होंने चार प्रकार के एक्ट भी पास किए, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट और क्वारंटीन एक्ट। इन एक्टों के द्वारा जनता पर अनावश्यक रूप से करों का बोझ डाल दिया गया। साथ ही साथ उस दौर में अनेक दार्शनिकों के विचारों का भी प्रभाव, ब्रिटिश दार्शनिकों का प्रभाव अमेरिकी जनता पर पड़ा। उन दार्शनिकों ने मौलिक अधिकारों की वकालत की और इसी से प्रभावित होकर अमेरिकी विचारकों ने उनकी बातों को अमेरिकी जनता के बीच प्रसारित किया, जिसकी वजह से लोगों में क्रांति की भावना जागृत होने लगी। साथ ही साथ वहां स्थानीय सुशासन की पहले से ही संस्थाएं संचालित होती थी, लेकिन वह ब्रिटिशों के अधीन होती थी, लेकिन उन्हें व्यापक स्थानीय शासन के अधिकार प्राप्त है। तो उन लोगों ने जब यह देखा कि ब्रिटिश अत्याचार बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठानी प्रारंभ कर दी और इसी आवाज उठाने के क्रम में उन लोगों ने एक स्वतंत्रता आंदोलन की सूत्रपात की। इसी में एक तात्कालिक घटना घटी जिसमें हम पाते हैं कि वहां बोस्टन की टी पार्टी वाली घटना घटी और जिसके पश्चात वहां एक सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ हो गया, जिसमें अमेरिकी सेना का नेतृत्व जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे और उन्हें स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड जैसे देशों का समर्थन भी प्राप्त था। अब हम अमेरिकी क्रांति के परिणामों पर ध्यान देंगे कि अमेरिकी क्रांति विश्व सभ्यता के इतिहास में आधुनिक मानव की क्रांति का एक महत्वपूर्ण मोड़ बिंदु अथवा एक अध्याय माना जाता है। यह क्रांति
वस्तुतः एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी, परंतु जनसाधारण ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्रांति ने विश्व की जनता को यह दर्शा दिया कि राष्ट्रीयता की भावना को जागृत हो जाने के पश्चात उपनिवेशों को पराधीन बनाए रखना संभव नहीं है। 1776 से लेकर लगभग 100 वर्षों तक कठोर संघर्ष के बाद अमेरिका को स्वतंत्रता मिल पाई, परंतु इसकी स्वतंत्रता से कई पराधीन उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा मिली। सब मनुष्यों को समानता और उसके अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता, इन दो तथ्यों का समावेश स्वतंत्रता की घोषणा से किया गया। इन तथ्यों ने अमेरिका और बाहर के वातावरण में बिजली की लहर सी दौड़ा दी। अमेरिकी क्रांति ने वहां के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की काया पलट कर दी। इसके द्वारा सामाजिक जीवन में परंपरा, धन और विशेषाधिकारों का अधिक महत्व कम था और मानवीय समानता का महत्व अधिक, अब शिक्षा का महत्व बढ़ गया। आर्थिक क्षेत्र में क्रांति ने मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग में सभी बाधाओं को समाप्त कर इसके विकास को प्रोत्साहित किया। पुरातन व्यवस्था तथा इससे संबंधित रीति रिवाजों की समाप्ति से अमेरिकी उपनिवेशों में पूंजीवादी के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस क्रांति का वहां की कृषि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। क्रांति से कृषि के विकास को काफी प्रोत्साहन मिला। क्रांति ने अमेरिका के उद्योगों को दो प्रकार से लाभान्वित किया। अमेरिकी उद्योग अंग्रेजों के व्यापारिक प्रतिबंध से मुक्त हो गए और युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण उपनिवेशों के विकास को प्रोत्साहन मिला। अमेरिकी क्रांति के दैवीय अधिकार पर आधारित राजतंत्र तथा कुलीन तंत्रीय एकाधिकार पर घातक अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। फलस्वरूप शक्तियों पर अंकुश लग गया और कैबिनेट की शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया गया। अमेरिकी क्रांति से इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति द्वारा सिद्धांतों का और अधिक विकास हुआ। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी भी कहा जा सकता है। इस क्रांति के पश्चात विश्व में लिखित संविधानों की परंपरा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका आधुनिक युग का विश्व में प्रथम देश बन गया। गणतंत्र की दिशा में प्रगति होने लगी। सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के लिए धार्मिक योग्यताएं आवश्यक नहीं मानी गई। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद की प्रथम पराजय दी तथा राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मानव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। इस क्रांति ने पूरे यूरोप के उपनिवेशों के क्रांतिकारियों को नया जीवन प्रदान किया। इसी की प्रेरणा से व्यापक रूप से फ्रांस की क्रांति में देखा जा सकता है। अमेरिकी क्रांति ने ही फ्रांसीसी क्रांति का रास्ता खोला। फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको हम लोग लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी भी कहते हैं, का मूल अमेरिकी संघर्ष में ही निहित था। स्वतंत्रता की घोषणा ने न केवल एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की उद्घोषणा की, अपितु 19वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास में राजनीतिक दर्शन तथा क्रांतिकारी विचारों की भूमिका निभाई। इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड के उपनिवेशों के हाथों से निकल जाने से वाणिज्यवादी सिद्धांतों को गहरा आघात पहुंचा। स्वयं इंग्लैंड ने वाणिज्यवादी नीति त्याग कर मुक्त व्यापार की नीति को बल दिया। अंत में यह कहा जा सकता है कि अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि इसने मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में नए सिद्धांतों की स्थापना कर नए समाज एवं नई दुनिया को स्थापित किया। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी क्रांति का परिणाम किस तरह से सकारात्मक निकला और इसने भावी क्रांतियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप
अमेरिका का तेजी से नवनिर्माण प्रारंभ हुआ और अमेरिका द्रुत गति से अपना विकास करने लगा। इससे वहां की कृषि, वहां के उद्योग जो ब्रिटिश नीतियों के अधीन दबे हुए थे, वे अब स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सकते थे और वह तेजी से पूंजीवादी विकास की ओर आगे उन्मुक्त होने लगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने अनेक आदर्शों को प्रस्तुत किया जिससे प्रेरित होकर विश्व की अन्य क्रांतियों को काफी प्रेरणा प्राप्त हुई। आगे चलकर जो हम फ्रांस की क्रांति देखते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बातें बताई गई हैं, वह मूलतया अमेरिकी क्रांति से ही ली गई थी और इसके साथ साथ इसने समाज, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव छोड़ा। और हम देखते हैं कि इस क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन, जो अब तक वाणिज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा था, उसने उस नीति का त्याग करके मुक्त व्यापार की नीति को अपनाना प्रारंभ किया और अमेरिका ब्रिटेन के चंगुल से मुक्त होकर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में और एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। तो इस प्रकार से हम अपने विषय को यही समाप्त करते हैं। इस विषय का मूल सार यही है, जिसको हम इसका आउटकम कह सकते हैं, कि अमेरिका की जो क्रांति थी वो ब्रिटिश के उपनिवेश के रूप में वो वहां थी और ब्रिटिशों द्वारा जब सप्तवर्षीय युद्ध में भाग लिया गया तब उसकी जो क्षमता थी उसमें हास होने लगा और इसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी और उसने उस धन की वसूली अपने अमेरिकी उपनिवेश पर दबाव बढ़ाकर करनी शुरू की। इसी के फलस्वरूप वहां एक प्रतिक्रिया उभरी और वह प्रतिक्रिया उभरते हुए तेजी से एक बड़ा रूप धारण करने लगी, जिसकी परिणति हम उसके तात्कालिक कारण जो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानी जाती है उसको मानते हैं। और उसके पश्चात अमेरिका और उनका बीच में युद्ध शुरू हो गया ब्रिटेन के बीच, और इन दोनों के युद्धों के फलस्वरूप हम पाते हैं कि अमेरिका जो जॉर्ज वॉशिंगटन के सेनापतित्व में लड़ा, वो उसने न केवल वहां विजय प्राप्त की बल्कि ब्रिटिश के उपनिवेशों को वहां से खदेड़ दिया और वहां के पश्चात अमेरिका तेजी से विकास करने लगा और इस विकास के फलस्वरूप वहां की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा में व्यापक परिवर्तन देखने को मिले और इस क्रांति ने विश्व की अन्य क्रांतियों के लिए महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का कार्य किया और इसने समानता, बंधुत्व और समानता, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, लिबर्टी और बंधुत्व की भावना को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से यह आंसर हमारे तीन भागों में पूर्ण होता है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। अगले विषय को फिर से हम नए क्लास में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।